जिला के बरौली प्रखंड के सोनबरसा पंचायत में और हमरा पीछे देख के लागत हुई कि हम बाढ़ में खड़ा बानी, बाढ़ के पानी में, लेकिन ये बाढ़ के पानी ना है, ये बरसात के पानी है। समस्या ऐसा बा कि सोनबरसा पंचायत के करीब 1000 आबादी ये बरसात के पानी में डूबल बा। जिसे कहे के चाहत नहीं कि जनता दरबार तो रुआ थानों में लगवाओ तनी, जिलों में लगवाओ तनी, और अपनों यहाँ लगवाओ तनी। एक बार ध्यान दी अपना बिहार के गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के सोनबरसा पंचायत के सोनबरसा गांव के वार्ड नंबर 3 और 4 में देखी, ऐसा हालत कहीं वैसन का कोनो जगह ना हुई जहां सड़ल पानी में 1000 के आबादी जिए खातिर मजबूर होके आवोजी के बीमार लोग लड़का के इलाज करे खातिर डॉक्टर ना आवे, अस्पताल ले जाए के कोनो साधन ना पहुँचत हो। हम लोग कुछ कहीं तक जाने के लिए तैयार है, सीओ साहब कैसे मानेंगे, प्रशासन कैसे मानेगा, या हम सब लोग को जेल भी भेजेंगे चाहे तो हम जेल जाने तैयार है। इसलिए कि जो आज स्थिति की स्थिति हो गया है, आज सड़क ही बंद नहीं है, कल महामारी फैलेगा बिल्कुल, इसका जवाब दे सीओ हो गए, इसका जवाब प्रशासन टांग टूंग ले जाता है सन, खटिया पर चाहे गोदी उठा के लड़का फैका सन के हमें लड़का डूब जाता रह सन। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। आज हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के सोनबरसा पंचायत में और हमरा पीछे देख के लागत हुई कि हम बाढ़ में खड़ा बानी, बाढ़ के पानी में, लेकिन ये बाढ़ के पानी ना है, ये बरसात के पानी है। समस्या ऐसा बा कि सोनबरसा पंचायत के करीब 1000 आबादी ये बरसात के पानी में डूबल बा, यूं कही कि नरक में पूरा तरीका से बावे एजी के स्थानीय जनता करीब 1000 के आबादी बा। कैमरा मैन से चाहे दिखाओ खातिर के देख सकते हैं कि शुरुआत कहानी एजी से होता और आसपास के जनता लगातार एजी के स्थानीय पदाधिकारी के सूचना देता कि भाई जहां पर बरसात के पानी ब्लॉक भइल बा, रोकल गइल बा, ओकरा के खोलवावल जाओ ताकि 1000 के आबादी जो नरक में बा वो बाहर निकल सके। और पूरा तस्वीर पूरा कहानी अब रुवा देखे के मिली, हम चलता नहीं पीछे, ओकरा बाद से एक एक करके सब कोई से बात हुई, देख सकता नहीं कि आसपास के ग्रामीण जनता एजी के सामाजिक कार्यकर्ता विजय जी बानी। पहले हम पूरा स्टोरी और पूरा कहानी पूरा तस्वीर दिखा दी, थोड़ा सा साइड हो जाएं लोगिन, साइड हो जाएं लोगिन, ताकि एजी के स्थानीय विधायक, एजी के स्थानीय सीओ, एजी के स्थानीय सांसद, एजी के स्थानीय जिला अधिकारी सब कोई देख ले कि सोनबरसा पंचायत के करीब 1000 की आबादी कैसे तबाह बा और कैसे परेशानी में डूबल बा। देख सकता नहीं भयावह तस्वीर बा बरौली प्रखंड के सोनबरसा पंचायत में जहां हमने के पहुंचल बानी सन। देख सकते नहीं कि महिला लोग आई बा और ये बाढ़ के पानी ना हो, बरसात के पानी बा, और ये बरसात के पानी में कैसे लोग अपन जिंदगी जियता, कैसे लोग निकल के जाता, देख सकते नहीं कि सब माई बहन सब लोग खड़ा बाई जी। और लगातार जी के स्थानीय जनता के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता कि स्थानीय सीओ साहब, स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रयास से जौन बरसात के पानी रुकल बा ओकरा के खोलल जाओ ताकि बरसात के पानी निकल जाओ और एजी के स्थानीय जनता के दिक्कत ना होके सूख जाओ पूरा पानी और आसपास के जनता आराम से रास्ता से आवे जाए। हमने के रास्ता पर बानी सन ये बरसात के पानी बा, पूरा लगभग 400-500 मीटर तक ले पूरा तबाह बाई गांव, पूरा पानी में डूबल बाई गांव, एकदम नरक में तब्दील हो चुकल बा बरौली प्रखंड के सोनबरसा पंचायत के गांव जहां हमने के पहुंचल बानी सन। इस सोनबरसा में पड़ी के वार्ड नंबर 4 बा, 4 और 3 पूरा तरीका से डूब चुकल बा। रुवा देख सकता नहीं कि तस्वीर बहुत ही भयावह तस्वीर बा और एजे हमने के पहुँच के हकीकत दिखावे के प्रयास करता भोजपुरिया झकोरा की का चलता खेला। करीब 1 साल पहले 2020 में पूरा हम डिटेल बताओ तनी, पूरा पेपर बा ओकर एजी के स्थानीय जनता के द्वारा कि 2020 में ही चिट्ठी लिख के एजी के स्थानीय सीओ के दिहल गई कि बरसात के पानी जहां पर ब्लॉक होता रुकता ओकरा के खोलवाओ जाओ ताकि जौन बरसात के पानी एजी जल जमाव हो गई बा, भयावह बीमारी के भी एगो उत्पन्न होता है पानी के चलते, खोलवा के रास्ता साफ कर जाओ ताकि बरसात के पानी निकल जाओ। लेकिन अब तक एजी के स्थानीय पदाधिकारी, एजी के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। देख सकते कि भयावह मंजर बा हमरा पीछे रुवा देख सकते नहीं, ये बरौली बा
आखिर बरौली के जनता, सोनबरसा पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 4 के जनता कब तक पानी में डूबल रही? सबसे बड़ा सवाल बा बरौली प्रखंड के सीओ और बरौली विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मतलब की विधायक से कि का वोट के समय ही सोनबरसा पंचायत के जनता याद आवेला? वोट के बाद से सोनबरसा पंचायत के जनता वार्ड नंबर 3 और 4 के जनता याद ना आवेला? सबसे बड़ा सवाल बा। और सवाल पूछा था सोनबरसा पंचायत के जनता कि आखिर हमनी के कब तक पानी में रहम सन। एजी का स्थानीय बरौली प्रखंड के सीओ से भी सवाल पूछा था जी का स्थानीय जनता कि सीओ साहब बताई हमनी के कब तक पानी में रहम सन, कब तक हमनी के नरक में रहम सन? सबसे बड़ा सवाल बा। और सीओ साहब के सूचना बा, सीओ साहब जानता नहीं, फिर भी सीओ साहब के तरफ से मजबूत कदम मजबूत एक्शन नहीं खेल लिहल जात कि एकरा के ब्लॉक जोन भइल बा एकरा के खोलल जा। अब हमरा साथ में बानी सामाजिक कार्यकर्ता ए क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद विजय प्रताप सिंह और जी के स्थानीय जनता भी बा, स्थानीय लोग बा, जी के स्थानीय माई बहन सब कोई उपस्थित बा, सब लोग से बात हुई। सबसे पहले पूर्व जिला पार्षद सामाजिक कार्यकर्ता विजय जी से बात हुई। विजय जी, 1000 के आबादी नरक में बा, सबसे पहल का स्टेटमेंट रुका रहे। सबसे पहले तो हम रउआ सबन के धन्यवाद देतनी आ रउआ लोग इनके ये सोनबरसा के धरती पर अभिनंदन ऐसे करतनी कि एगो जिम्मेवार मीडिया के रूप में रउरा ये जी उपस्थित होके लोग के जौन भावना बा, लोग के जौन कष्ट बा, एकरा के उजागर करे के प्रयास करतनी। एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद रउआ सबन के। हमारा तरफ से पहलका ई बा कि प्रशासन इतना निरी हो गइल बा आ प्रशासन इतना लापरवाह हो गइल बा जौना के वजह से स्थानीय लोग कोनो प्रकार के समस्या में डूबल होके केहू से केहू के कोनो मतलब नइखे रह गइल। अगर मतलब रहित तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि ये प्रखंड ए विधानसभा के जे प्रतिनिधि बा, लोकसभा के जे प्रतिनिधि बा, कम से कम अपने कुछ ना करित तो पदाधिकारी के फोन करके तो एक्शन लीत ओकर इत दायित्व बनता। बिल्कुल ओकरा आओ में डर लागता ये पानी में, चूंकि जी के लोग पानी में रहे खातिर अभ्यस्त बा तो बुझता जो जियो मरो कोनो बात नहीं है। जब सुखरुखा हो चुनाव हो तो हमने आए सन जरा पहले वाला सीओ साहब के जब सब लोग आवेदन दिल रहे बात बतौल रहे तो वहाँ के आके खोलवाइले रहनी आ खोलवावला के बाद वहाँ के बदली हो गई फिर बंद हो गई। नवका सीओ साहब के स्थानीय लोग जौन बतावल कि आवेदन दियाइल आ रिक्वेस्ट कल गई वहाँ कहनी हम जांच करा लेते नहीं जाँचों करा ले बनी, लेकिन ये कौन व्यवस्था बा जो जाँच करवा के रुआ 2 साल ले अपना लगे रखले रहे आ बाकी बरसात के पानी से नाला के पानी से लेटरिन के टंकी के पानी में पूरा ये जवार के वार्ड नंबर 3 और 4 डूबल बा। ये सोनबरसा पैक्स के अध्यक्ष रामेश्वर राय जी बानी जे यहाँ विराजमान बानी, यहाँ के प्रयासरत बानी, हमेशा प्रयास कैले बानी सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, सीआई के यहाँ, कर्मचारी के यहाँ। अब एक ये सवाल के रौरा अगर उठावता नहीं तो रौरा माध्यम से यहाँ के लोग के एगो बल मिलता। एमे हमरो पूरा पुरजोर माने समर्थन बा, सहयोग बा कि ये पानी के निकास जितना जल्दी होखे के चाही। आ डीएम साहब से भी हम कहें कि अगर कनी ये पदाधिकारी लापरवाह होता तो जिला समाहर्ता महोदय रौरा पर बहुत भरोसा बा, बहुत विश्वास बा, रुआ बहुत जल्दी एक्शन लेता नहीं आ समस्या के समाधान कराओता नहीं। तो हमरा उम्मीद बा कि चैनल के माध्यम से भोजपुरिया झकोरा और अमरजीत गिरी जी के माध्यम से ये आवाज़ हम रौरा तक ले पहुँचाओता नहीं, ए जी के लोग पहुँचाओता आ आवाज़ जानला के बाद ये समस्या के समाधान रुआ त्वरित करावे के प्रयास करेब। आशा इनके पूरा विश्वास बा रौरा पर आ एक समाधान रौरा स्तर से हुई। आई एम ए दोषी के बा जरा वजह से इतना दिन से 1 साल से लोग ये बरसात के पानी में डूबल बा आ नरक के जिंदगी जियता, एक दोषी के बा वो पदाधिकारी के कर्मचारी पर कार्रवाई करे के भी रउआ प्रयास करें। हमने के पूरा उम्मीद बा चूंकि आगे से फिर ऐसा नरक के जीवन जिये के केहू के नौबत ना आवे, यही खातिर हमने के रौरो से आ धन्यवाद देता नहीं रौरा के सवाल बा। विजय जी बिल्कुल धन्यवाद रउआ देता नहीं। भोजपुरिया झकोरा के टीम पानी में पहुंचल बा रिपोर्टिंग करे खातिर। विजय जी, अगर स्थानीय शासन प्रशासन के द्वारा, हमरा पता नहीं कि विधायक के लौकत है कि नहीं लौकत, हालांकि वहाँ की उम्र हो गई बा, सीओ साहब के लौकत है कि नहीं लौकत हमरा पता नहीं है, डीएम साहब के लौकत है कि नहीं लौकत हमरा पता नहीं है, लेकिन अगर पानी के रास्ता नहीं खोलल जाए रौरा सामाजिक कार्यकर्ता बनी क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद बनी का करें? विजय जी आगे रहो रणनीति का बा। हमने के जौन प्रयास बा होता देख लिया था
ना हुई तो एक बार समाहर्ता महोदय से मिल के भी हमने के बात के रखे, लिखित आवेदन दे पब्लिक पिटीशन के साथे, अगर वहाँ के पर कारगर कार्रवाई ना करब तो एक खातिर हमने के चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करब बाध्य हो जाए, चूँकि जिये खातिर अब आंदोलन करे के पड़ी, ये नरक के जिंदगी से उबरे खातिर आंदोलन करे के पड़ी, जावना से सरकार और सरकार के पदाधिकारी के कान में तेल जाओ और ओकर आँख खुले आ कान में आवाज़ जाओ, ये समस्या के समाधान होके, जब तक ले समाधान ना हो तब तक ले आंदोलन करे खातिर सोनबरसा वार्ड नंबर 3 और 4 के लोग तैयार रही, आ तब तक आंदोलन हुई जब तक ले समस्या के समाधान जिला प्रशासन के तरफ से अंचल पदाधिकारी के तरफ से हो नहीं खेजा। बिल्कुल आंदोलन के कहीं ना कहीं विजय जी बात करते नहीं, चिट्ठी बा हमारा साथ में, जौन चिट्ठी तारीख बता दी कि 10/8/2020 के बरौली प्रखंड के सीओ साहब के दिया गई बा। हम कैमरामैन से चाहें कि करीब 1 साल हो गए चिट्ठी के, थोड़ा सा फोकस करे के चिट्ठी के ऊपर कि बरौली के सीओ के चिट्ठी दिया गई 1 साल पहले, और 1 साल से सोनबरसा पंचायत के जनता नरक में बा, नरक के जीवन जियत, लेकिन पता ना का हो गई बा सीओ साहब के दिखाई नहीं खे दे, कि सीओ साहब देखे के नहीं की चाहत, कि जी क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि के दिखाई नहीं के देत, कि देखे के नहीं के चाहत, सबसे बड़ा सवाल बा। चिट्ठी लिखे वाला चिट्ठी देवे वाला ये जी लोग बा, हम बात करें का बात भइल सीओ साहब से, जब ये चिट्ठी देनी पुरनका सीओ साहब के दिया रहे का कहनी हम लोग, हम पुराने सीओ साहब रामनीत बाबू जब थे तो हमने मौखिक जगह कहे कि सर समस्या है, पूरे गांव में पानी जमा हो गया है, और गांव सलोना का रहने वाला राजेंद्र शर्मा जो पुलिया के मुंह पर दीवार बनाकर बंद कर दिया है, जिसके चावल हम दिए थे 10 अगस्त वर्तमान सीओ चौबे जी को दिए थे, चौबे जी को दिए, हाँ पहले के आश्वासन दिया आकर खुलवाए, चौबे जी कहे कि हम इसका जाँच कराएंगे, इसके बाद फिर हम गए चौबे जी के पास, फिर कहे तो कहा कि हम कर्मचारी को भेजा है, कर्मचारी साहब भेंट किए, कर्मचारी साहब बताए बबलू जी कि हम गए हैं, हम जांच किया है, और दादा पर हम लोग कुछ कहीं तक जाने के लिए तैयार है, सीओ साहब कैसे मानेंगे, प्रशासन कैसे मानेगा, या हम सब लोग को जेल भी भेजेंगे चाहे तो हम जेल जाने तैयार है, इसलिए कि जो आज स्थिति की स्थिति हो गया है, आज सड़क ही बंद नहीं है, कल महामारी फैलेगा, बिल्कुल इसका जवाबदेह सीओ हो गए, जवाब प्रशासन होगा, स्थिति बा का कहें लोगन, काफी दिक्कत होते रहे वालों के, तो हमने के आवाज आए के गोजन होता, मुखिया वार्ड नहीं खेलो मदद करो, तो कोन इमरजेंसी पड़ जाए तो हमने के कहां रहन सन, के तो मार होता तो किंग ले जाते लोग, टांग किंग ले जाते सन, खटिया पर चाहे गोदी उठा के लड़का फेंका सन के, हमें लड़का डूब जाता रह सन, लड़को डूब जाता रह सन, चाची बानी कुछ बोल देख सकते नहीं कि पूरा तरीका से नरक में तब्दील बा सोनबरसा पंचायत के वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 3, का कहत नहीं चाची, डाब और पानी में लड़का से अगर मियाज खराब होता तो हमने के रोड पर चढ़ोता नहीं सन, आए हमने के कहीं लड़का ले गिर जाए सन तो कागज के पड़ी है, गरीब आम दी कम हमने के दस आता मार के सुनते दी क्यों नहीं रहला जी, ना कोई नहीं खे, कोई पूछे वाला नहीं खे, कोई एक खोजी हेरी नहीं खे, जे के में पानी निकल लिया का हुई, सारा लोग पाए माल बा मरत अपना बिना, एगो मालवे जल बा तो खोला बिना सब बिना मरत काम बा ना कुछ के काम, क्यों नहीं खे आवत, ना क्यों नहीं खे आवत, पूछे क्यों नहीं खे आवत, क्यों पूछे वाला नहीं खे, ए में के गाड़ी जाई बताई, जे गाड़ी वाला लेके आवे लो पानी में ढूल जाओ तो केहू ले आ जाए, का कहत चाचा है ना, जाए बाल को मरत आ मवेशी तो केहू डॉक्टर रखे आप आवे तो यही लग लेके जाओ, आही लगे दे अभी जाने अभी अभी बोल मर रहल बा, है गाय एगो मर रहल बिया हो जो केहू डॉक्टर मैंने इते इदी को बनवा बात नहीं खनु रे सामने बा आउ लो आके देखो जे सांत बात बा कि झूठ बात बा, आके उ देखो ई कौन काम है बैठे बा कोठा पर है त जनता मर रहल बा, वोट खाती धौरा तालो हम जीतम, हम जीतम कोई वोट मत दे, जिलादा ये वोट वोट लो जिलादा, ये हमने के वोट मिलो सबके से नि मर रही सो भले सारा लो मर दे बहन छु, वोट अपन निकासी कर ये काम बा लोग है, आई जे जनता के बाग फल्ला वार्ड बड़े हमर मोर करी है वार्ड फुवाड सब वोट के फेर में बड़े जनता के फेर में नहीं, हमरे गाय हो तो गिर गए भैया रास्ता नहीं खे, जब 5 आदमी के बोला खेले जाके उठवाई है तो रास्ते नहीं खे तो केव के में जाओ जाए ला तो केव लुका जाता जे पानी पर डांड होता के में जाए ला है बोलावला पर डॉक्टर आवते नहीं खन इलाज करे खातिर मैं साइकिल मोटरसाइकिल के था है नहीं खे ना लड़का गिर जाता रहसन तो गार्जियन देखो तो तब ना उठाई है नहीं खे देखो तो उतना देर तो लड़का अथी गुम हो जाए है तो पर सीओ वीडियो केहू ए पर कौन कार्रवाई नहीं खे करत ना पूछे आवत ना देखे आवत, बिल्कुल भयंकर विकास हमने के देखाओ तनी सन बरौली विधानसभा क्षेत्र के, और ये जी के स्थानीय बरौली के अंचल अधिकारी के भी देख सकता नहीं कि
कितना लापरवाही बा जौना के वजह से करीब 500 से 600 मीटर के दूरी लगभग पानी में डूब चुकल बा। और आसपास के जनता बतावता कि 1000 के आबादी प्रभावित बा बाढ़ के पानी से, और बार बार निवेदन कर जाता है जी के अंचलाधिकारी से, लेकिन सुनाई नहीं देत कि भाई 1000 के आबादी पानी में डूबल बा, पानी के निकासी के व्यवस्था होखो ताकि 1000 के आबादी जो उनकी नरक में बा राहत के सांस ले पाओ। लगातार हमनी के कवरेज करे के हकीकत दिखावे का प्रयास करता भोजपुरिया झकोरा ई बरौली में पहुंचल बनी सन। फिर से हम बताते हैं कि बरौली विधानसभा बहुत 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 बुझे मार बिया डॉक्टर आते नहीं के मार बिया आ ओकर इलाज करे खातिर के डॉक्टर आवे के तैयार नहीं है। आ दूसर के चीज बा कि एगो ये टोला में एक आदमी के पतो के डिलीवरी रहे तो ले जाए खातिर डॉक्टर के बुलावल गई तो केहू डॉक्टर ना आवे, ले जाए के कोनो सवारी ना आवे, खटिया पर ओकरा के सुता के चार आदमी लाद के ले जाके रोड पर तब गाड़ी मंगा के लेके गईल। अब बताई जब आज़ादी के 70 साल 74 साल के बाद भी लोग खटिया पर लाद के अगर रोड पर अस्पताल में जाता तो बुझे दुर्भाग्य बा ये देश के जे आज़ादी लेहल अपना के आ देखित तब बुझाई उनका तब बुझाई जब उनकर परिवार ऐसन का पानी में घेराई रही तो इतना उनका बेचैनी हुई जो कहीं से कोनो व्यवस्था करा के आ डीएम साहब से निहोरा करके अपन परिवार निकाले खातिर व्यवस्था कर लेते निकलवा लेते। लेकिन आम लोग हो उ लोग हुकूमत करे आइल बा ऐसे ही लोग सरता गलता धीरे धीरे अपने से पानी धूप से सूखे को ही तो 6 महीना में सूख जाई ओकरा बाद में फिर सब ठीक हो जाई। उ लोग एक जिम्मेवार नहीं है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहे के चाहता नहीं कि जनता दरबार तो वह थानों में लगवाओ तनी जिलों में लगवाओ तनी और अपनों यहाँ लगवाओ तनी। एक बार ध्यान दी अपना बिहार के गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के सोनबरसा पंचायत के सोनबरसा गांव के वार्ड नंबर 3 और 4 में देखी ऐसा हालत कहीं वैसन का कोनो जगह ना हुई जहां सड़ल पानी में 1000 के आबादी जिए खातिर मजबूर होके और वो जी के बीमार लोग लैका के इलाज करे खातिर डॉक्टर ना आवे अस्पताल ले जाए के कोनो साधन ना पहुँचत होके मवेशी मर रहा बा बाल बच्चा मर रहा बा हेमें लैका गिर के डूब जाता रह सके सियान बतनी निकाल दल अगर केहू ना देखी तो लड़का मर जाए तो एक जिम्मेवार के बा आखिरी प्रशासन काहे खातिर बा एक पर काहे खर्चा होता सरकार के हमनी के पैसा प्रशासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि के लौकत नहीं है विजय जी की प्रशासन जनप्रतिनिधि देखे के नहीं के चाहत जी देखे के नहीं के चाहत जानकारी सबका बा ओकरा सबका फुर्सत नहीं है। हाँ जानकारी सबका बा ओकरा फुर्सत नहीं है। वो सब लोग अपना अपना काम में व्यस्त बा उ नहीं के चाहत जे बेमत बिल्कुल देख सकता नहीं कि भयावह तस्वीर बा गाय बीमार भी आ डॉक्टर आवे के नहीं के चाहत है देख सकता नहीं कि जी के बच्चा ए जी के बुजुर्ग ए जी के महिला लोग बीमार बा लेकिन केहू ए जी पहुँचे के नहीं के चाहत कहे कि पूरा तरीके से समुंदर में तब्दील बा और 1000 के आबादी समुंदर में रहे पर मजबूर बावे। लगातार हमने के बनल बने सन बरसा पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 4 के जनता नरक में रहे पर मजबूर बा लेकिन स्थानीय पदाधिकारी अधिकारी के दिखाई नहीं के देत कि रे भाई सोनबरसा पंचायत के जनता डूबल बा ओकरा के निकाले खातिर पानी के जो निकासी बा ओकरा के क्लियर कर जाओ ताकि पानी निकल जाओ और ए जी के जनता सूखा में रह सको और दिक्कत ना हो। लगातार हमने के बनल बनी समरनिया गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के सोनबरसा पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 4 से कैमरा के बीच हमारे सहयोगी अंकित कुमार के साथ धन्यवाद।